तो यहाँ से जिप लग जाएगी, तो हम यहाँ तक सिलाई मारेंगे। जिप के लिए पट्टी पहले से मैं चिपका रखा हूँ, हम इसको इतना कट कर लेंगे। दूसरा बाजू भी इसी तरह से हम पट्टी लगा लेंगे। अब इसको हम सीधा कर लेंगे। दोनों पट्टी को हम चिरवा कर लेंगे। तो मैंने इसको माचिस से थोड़ा जला दिया हूँ। पहले हम इसको एक कपड़े को अंदर फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद किनारी का सिलाई मारेंगे। ये जिप को पूरा खोल लेंगे। अब ये जिप को बंद कर लेंगे। इसको हम पलटी इस तरह घुमा लेंगे। घुमाकर खाली ये जिप दिखे इतना ही जगह हम छोड़ेंगे, बाकी का जगह पैक कर लेंगे। और ये दोनों पॉइंट बराबर कर लेंगे। सिर्फ हम यहीं पे इसका सिलाई मारेंगे ताकि ये वाले पल्ला अटैच हो जाए।
इधर से लाइन ही मारेंगे। तो इतना जीप रह जाएगी। अब इसका हम आस्तीन लगा लेंगे। आस्तीन बिल्कुल सेट की तरह रहेगी, जैसे सेट में आस्तीन बनती है उस तरह बनेगी। तो मैं इसका आस्तीन पहले से बना चुका हूँ, खाली लगाना है। नाप कर देख लेंगे आर्मोल सही आ रही है नहीं, तो ये थोड़ा कटिंग होगी तो हम इतना कट करेंगे। और यहाँ पे मिला लेंगे जब यहाँ से हम कटिंग करेंगे तो। तो ये सामना पल्ला है, तो ये आर्मोल का भी हम आस्तीन का भी सामना पल्ला इस तरह रख लेंगे। इसी तरह से आपको दूसरा आस्तीन भी लगा लेना है। तो ये दोनों आस्तीन लग गई है। अब हम साइड में सिलाई मार लेंगे। इसी तरह से दूसरा साइड में भी सिलाई मार लेना है। इस तरह बराबर कर लेंगे, चटका में चटका मिला लेंगे। अभी हो गए, सिर्फ साइड पैकेट लगाना है। साइड पैकेट लग गए, कुर्ता कंप्लीट हो जाएगी। तो साइड पैकेट लगाना, इससे पहले वाली वीडियो में बताए हैं, मैं साइड पैकेट लगाना नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि साइड पैकेट लगाना कोई बड़ी बात नहीं दिख रही है। मेन काम था वो मैं दिखा दिया।